वैशाली बॉर्डर पर पुलिस हाई अलर्ट, कंटीली तारे लगाकर बैरिकेडिंग, प्रदर्शनकारियों पर पैरी नजर, दो दिन पहले हुई थी हिंसा। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर चंडीगढ़ पुलिस आज भी पूरे दलबल के साथ डटी हुई है। वहीं बीते बुधवार को बॉर्डर एरिया से गायब रही मोहाली पुलिस भी मौके पर मौजूद है। दोनों ओर की पुलिस फोर्स द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी समेत अन्य अफसर भी पहले दिन बैकफुट पर आने के अगले दिन से अनाउंसमेंट कर फोर्स के जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वहीं कौमी इंसाफ मोर्चा के मेंबर समय समय पर चंडीगढ़ स्थित सीएम पंजाब के सरकारी आवास की तरफ कूच करने का प्रयास में है, लेकिन मोर्चा मेंबर्स द्वारा की गई हिंसा के बाद से यह बॉर्डर पॉइंट संवेदनशील बना हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार कौमी इंसाफ मोर्चा के बैनर की आड़ में 12 खालिस्तानी संगठन के समर्थन भी शामिल हुए। उन्होंने चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर सेक्टर 52-53 के बैरियर पर हिंसा कर चंडीगढ़ के 13 से अधिक पुलिस कर्मियों को गंभीर रूप से घायल किया, इनमें महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई। चंडीगढ़ पुलिस ने इसका जिम्मेदार कौमी इंसाफ मोर्चा को बताया है। पहले दिन लाठीचार्ज का आदेश नहीं मिलने पर बैकफुट पर गई चंडीगढ़ पुलिस गुरुवार से दल बल के साथ हर कार्रवाई को लेकर तैयार दिख रही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।